होता है गर्भगृह क्यों बनाया जाता है? हर बड़े मंदिर में जानिए प्रवेश से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीचर। हिंदू मंदिरों में गर्भगृह मनाए जाते हैं, खासकर हर बड़े मंदिर में आपको गर्भगृह देखने को मिलता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गर्भगृह आखिर क्यों बनाए जाते हैं? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इस संबंध में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि गर्भगृह में जाने के क्या नियम होते हैं और इस स्थान को बेहद पवित्र क्यों माना जाता है। देखिए, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि मंदिर का गर्भगृह मंदिर का हृदय यानी स्थान का ब्रह्म स्थान होता है। गर्भगृह में मंदिर के देवी या देवता की मूल मूर्ति को स्थापित किया जाता है। यही वह स्थान होता है जहाँ देवताओं को स्नान, भोग और विश्राम करवाया जाता है। इसके साथ ही इसी स्थान पर पूजा पाठ का भी विधान होता है। देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद यह स्थान अत्यंत पवित्र हो जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख मंदिर और उनका गर्भगृह वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए गए हैं। इनमें भक्तों के दर्शन का स्थान और परिक्रमा का स्थान भी बनाया गया है। इसके साथ ही गर्भगृह के द्वारा को छोटा रखा जाता है। जी हाँ, इसके द्वार को छोटा इसलिए रखा जाता है कि परमात्मा के सामने छोटा बड़ा हर व्यक्ति सिर झुका कर जाए। गर्भगृह का आकार ज्यादातर चकोर या फिर आयताकार होता है। हिंदू धर्म में हर बड़े मंदिर में गर्भगृह इसलिए बनाया जाता है ताकि देवस्थान की पवित्रता बनी रहे। वहीं गर्भगृह में वही पुजारी भगवान को भोग लगाता है जो पूरी पवित्रता बनाए रखता है। इस स्थान में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अगर हर व्यक्ति के पहुँच यहाँ तक होगी तो देवस्थान की पवित्रता भंग हो जाती है। इसके साथ इस स्थान पर पवित्रता बरतते हुए अगर कोई प्रवेश करता है तो उसकी सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। और ये एक ऐसा स्थान होता है जहां ऊर्जा और शक्ति का वास रहता है। साथ ही स्थान में बहुत कम लोगों को ही जाने की इजाजत होती है, इसलिए हर मंदिर में गर्भगृह का होना अनिवार्य होता है। यह एक स्थान एकांत में होता है, इसलिए देवी देवताओं को आसानी से यहाँ स्नान, भोग आदि लगाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।